पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के नेटवर्क में दिक्कत दूर करने के लिए जिला मुख्यालय में लगाया गया मोबाइल टावर अब प्रशासन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस मोबाइल टावर पर पीड़ित चढ़कर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग रखते हैं। जिलाधिकारी ने मुसीबत बने इस टावर को हटाने या इस मोबाइल टावर की सीढ़ियां हटाने के निर्देश जारी किए हैं। जिला मुख्यालय में बने इस टावर पर चढ़कर अब कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को बाध्य नहीं कर सकेगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने इस टावर की फाइल खंगालना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के मोबाइल नेटवर्क ठीक करने के लिए लगाया गया जियो कंपनी का 75 मीटर ऊंचाई वाला ये मोबाइल टावर अब प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ये पहला मौका नहीं है जब कोई इस मोबाइल टावर पर चढ़ा हो। मानसिक आरोग्य शाला के संविदा कर्मचारी सुभाष से पहले समाज सेविका सावित्री चाहर भी अपने गाँव की जन समस्या को लेकर इस मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रशासनिक अधिकारियों का रक्तचाप बढ़ा चुकी है। गत मंगलवार को संविदा कर्मचारी विभागीय मांगों को लेकर पूरे 8 घंटे इस मोबाइल टावर पर चढ़कर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मुसीबत का सबब बना रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट को इस मोबाइल टावर को हटाने या इस पर चढ़ने की किसी भी संभावना को समाप्त करने के आदेश दे दिए हैं। मोबाइल टावर में अभी जो कल जो घटना घटी थी उसको लेकर सतर्कता ही बरती जाएगी और दोबारा इस तरह का कोई घटना ना कर सके उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो सीढ़ी वगैरह जिस पे लगी है जिससे लोग चढ़ जाते हैं उसको भी वहाँ से इस तरह से रखा जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पे लगाया जा सके, अन्य कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य के लिए उपयोग में ना ला सके। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मोबाइल टावर की फाइल तलब कर ली है। संबंधित मोबाइल टावर कंपनी जियो नेटवर्क से इस मोबाइल टावर को जिला मुख्यालय से हटाकर अन्यंत्र शिफ्ट करने या फिर इस मोबाइल टावर पर चढ़ने वाली सीढ़ियों को हटाने की संभावना पर काम करना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय पर बने मोबाइल टावर पर किसी भी व्यक्ति के चढ़ने के दौरान संभावित हादसे को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नेटवर्क में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ये जियो का टावर जिला मुख्यालय परिसर में लगाया गया था, लेकिन ये टावर अब जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मुसीबत बन चुका है। यहाँ कई व्यक्ति इस टावर पर चढ़कर प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। मंगलवार को मानसिक आरोग्य शाला का संविदा कर्मचारी सुभाष इस टावर पर चढ़ गया था, जो 8-9 घंटे की मशक्कत के बाद इस टावर से नीचे उतरा था, जिस पर जिलाधिकारी ने अब संज्ञान ले लिया है। जिलाधिकारी बेहद ही सख्त हैं। जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को इस टावर को हटाने या फिर टावर पर चढ़ने के सभी साधन हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने डीएम के निर्देश पर फाइल तलब कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी ये टावर हटेगा या फिर इस टावर पर चढ़ने वाली सीढ़ियों को हटाया जाएगा। जिला मुख्यालय से अपने साथी इकबाल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।